अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के कारकुन सनम जावेद को सीनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 11 सफात पर मुश्तमल तहरीरी फैसला ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने जारी किया। फैसले में कहा गया है कि उमर सरफराज चीमा भी जेल में हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने किसी के साथ इम्तियाज सलूकी नहीं होना चाहिए। फैसले में मजीद कहा गया कि सनम जावेद को जनरल इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिली, मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। फैसले में लिखा गया कि इल्ज़ाम था कि अपील कंदा का शोहर 2023 में टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सका। अपील कंदा के शोहर को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 2023 का टैक्स नागुजर हालात की वजह से जमा नहीं हो सका। इन हालात और वाकयात का जायज़ा रिटर्निंग अफसर को भी लेना चाहिए था। मजीद खबरन आई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com। आई दिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।